जब कोई बड़ी फिल्म, स्टारकास्ट फिल्म, बड़े बजट की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलती है तो जनरली स्पीकिंग स्टार्स को सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलता है, राइटली या रॉन्गली, बट स्टार्स हॉग द लाइमलाइट। लेकिन जब कोई छोटी फिल्म विदाउट स्टार्स, न्यू स्टारकास्ट की फिल्म चलती है तो वेरी राइटली क्रेडिट सबसे ज्यादा दो लोगों को मिलता है, एक राइटर और दूसरा फिल्म के डायरेक्टर को, क्योंकि स्क्रिप्ट को माना जाता है फिल्म की रीढ़ की हड्डी और डायरेक्टर को माना जाता है कैप्टन ऑफ द शिप। तो आज विकी डोनर की रीढ़ की हड्डी यानी स्क्रिप्ट राइटर जूही चतुर्वेदी और कैप्टन ऑफ विकी डोनर यानी डायरेक्टर शुजित सरकार हमारे साथ है। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम देम, वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू। या थैंक यू वेरी मच। तारीफों के पुल बांधने पड़ेंगे आप दोनों के। पब्लिक ने इतना लाइक किया है आपकी फिल्म को। इट स्टार्टेड सो स्मॉल एंड देन इट ग्रू एंड ग्रू एंड ग्रू। जूही, लेट्स बिगिन विद यू। यू हैड एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ एन ओपनिंग एंड दिस काइंड ऑफ अ पिकअप? नहीं, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नॉट। सी, वी वर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी हैड मेड, बट इट विल बी एक्सेप्टेड सो ब्यूटिफुली, शायद मतलब इतना नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से शुजित जी ने सोचा था। नो सर, मैंने बिल्कुल, हमने सोचा था कि यस, स्पर्म डोनेशन पे है तो यंग लोग थोड़ा जाएंगे, थोड़ा क्वर्की है, बट अंकल्स एंड आंटीज विल गो, आई नेवर एक्सपेक्टेड। सो एंड फर्टाइल कपल्स एंड इनफर्टाइल कपल्स ऑल विल गो, ये नहीं सोचा था। एंड सम पीपल आर गोइंग ट्वाइस, सो आई एम रियली ग्लैड, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, क्योंकि ट्विंस होते हैं ना कुछ लोगों को। एंड ऑल्सो आफ्टर 8 years देयर इज नोबडी इन द फिल्म, इट्स जस्ट प्योरली स्पर्म डोनेशन के ऊपर है। सो कैसे लोगों को इतना इजीली अट्रैक्ट हो गया, इवन आई एम आल्सो सरप्राइज्ड, वी आर आल्सो सरप्राइज्ड। जो ही जब आपने ये स्क्रिप्ट लिखी तो कुछ एप्रिहेंशन था कि ये स्क्रिप्ट मैं कैसे लेके जाऊंगी या कोई कैसे इंटरेस्ट होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो लिखने से पहले कुछ ऐसे विचार आए? आइडिया आया, डिस्कस किया। अच्छा, आइडिया लेवल पर ही आपने डिस्कस कर लिया? ओके। एंड लाइक आई हैव सेड अर्लियर आल्सो, लाइक आई रियली डिडंट नो कि कैसे ही विल रिएक्ट। आई मीन, ही कुड हैव सेड कि फोन रखो, बाय बाय, नाइस नोइंग यू, क्योंकि अगेन स्पर्म डोनेशन। एंड बट आई थिंक व्हेन ही कॉल्ड मी बैक, फोन जब वापस करा तो देन माय कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली इंक्रीज्ड कि देयर इज समथिंग टू वर्क टुवर्ड्स। बट लेकिन फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना वाज नॉट इजी, क्योंकि I mean, इतना different idea सोच लिया है to justify, and as a woman to write, so I mean, I took quite some time and patience. और इस story का sperm कहाँ से generate हुआ? नहीं पता, वो नहीं पता। बस ज़हन में आ गई। I think वो उसका जवाब नहीं है मेरे पास, कैसे आया। शुजित जी, आपने जब इनको green signal दिया कि yes it's interesting, क्या सोच के दिया? Because All said and done, it's something very, very different. तो आपने कुछ commercial thoughts दी इस बात को, or you just were floored by the topic? First, when she told me this idea, obviously I thought for a second. But then, if this idea was, अगर मेरे को मिलता 5 साल पहले, शायद मैं नहीं करता ये. Correct. लेकिन एक तो एक लड़की ने मुझे एक idea दिया सबसे पहले. And talking about sperm donation, so mujhe laga fir it's the right time possibly. Correct. And if this idea was given to me by a boy, possibly I would think twice ki ye karna chahiye ki nahi karna chahiye. So I was in that edge to decide ki sahi hoga, vulgar hoga, ya slapstick, double meaning joke na ho jaye. But when we started discussing idea ke baad, we kept laughing on every situation. So then we thought, if we are laughing, let's make everybody laugh. Let's make everybody laugh with this. So, and that's our script banta gaya, sir. I mean, I don't know how banta gaya, but banta gaya. I mean, we thought only conscious effort was ki isko vulgar nahi karenge. We'll keep it hygienic and clean. So, jo hi industry, public ne to thumbs up de diya hai. Industry ne kaise response diya hai aapko, aapki film ko? Abhi tak to matlab काफी कॉल्स आ रहे हैं, एंड जॉन अब्राहम स्पेशली, उन्होंने इतना ज्यादा तारीफों के पुल बांध दिए हैं। शुजित, ही इज बीन टॉकिंग अबाउट मी, एंड काफी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, तो मतलब अच्छा लग रहा है। आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट उसको मिला है कि यस्टरडे मिस्टर सलीम खान हैड कॉल्ड अस, उन्होंने हमको बुला के जूही को भी फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं इतना अच्छा लगा मैं फुल, मैं आपको एक अवार्ड देना चाहता हूँ, मेरा एक फिल्म फेयर अवार्ड देना चाहता हूँ। हम दोनों को बुला के हमको उन्होंने एक अवार्ड दिया, उन दोनों ने मिल के। वाओ, दैट वाज रियली समथिंग। इट्स क्वाइट अ गुड नाइस जेस्चर। एंड ही हैज बीन सच अ ग्रेट राइटर हिमसेल्फ। या, ही हैज बीन स्पेशली तो
कमिंग फ्रॉम हिम इट मीन्स अ लॉट. लाइक यू नो उन्होंने जो स्क्रिप्ट में देखा वो शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा. सब गए हैं हंस के आ गए हैं, उनको मजा आया, पंजाबी बंगाली ये वो सब कुछ, लेकिन शायद उन्होंने जिस तरह से फिल्म को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में देखा उन्होंने तो उनको समझ में आया शायद. आई मीन दैट्स व्हाट ही सेड. और उन्होंने कहा है कि अगर तुमको किसी और का काम अच्छा लगे तो ये आप उनको भी देना. हाउ स्वीट. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपने ये नहीं सोचा कि ये अलग किस्म की फिल्म है तो एटलीस्ट थोड़ा सेफ मैं हो जाऊं बाय टेकिंग स्टार्स, स्टार नेम से लोग अंदर आ जाएंगे और फिल्म थोड़ी बहुत तो चल जाएगी. इनिशियल आप जब फिल्म लिखते हैं आप डेफिनेटली ये सोचते तो हैं कि मतलब यू नो लेट्स बी सेफ, सब्जेक्ट ऐसा है एंड आई एम डूइंग अ फिल्म आफ्टर 6 or 7 years, सो ये एक थॉट तो होता है. बट एक टाइम के बाद पता नहीं हमने सोचा कि देखते हैं क्या होगा, लेट्स प्ले दिस गैम्बल. एंड स्टार के पास इसलिए हम लोग गए नहीं ज्यादा क्योंकि उनको आइडिया अच्छा लगता, लेकिन स्पर्म डोनेशन में वो फिल्म नहीं करना चाहेंगे मुझे मालूम है. अब शायद करना चाहेंगे लेकिन अगर मैं इनिशियल स्टेज में जब बन रहा था स्क्रिप्ट. बट आपने अप्रोच किया किसी स्टार्स को? नो वी नेवर अप्रोच्ड एनीबॉडी, वी नेवर. एंड माय कास्टिंग डायरेक्टर, ऑल क्रेडिट गोज टू माय कास्टिंग डायरेक्टर, ही ओनली इंट्रोड्यूस्ड मी टू ऑल द कैरेक्टर्स इन द फिल्म. बट मस्ट से ही इज डन अ फैबुलस जॉब, आई थिंक हर किरदार में जो एक्टर लिया है आई थिंक बहुत ही अच्छे. नो नो, ऑल क्रेडिट गोज टू, ही ओनली इंट्रोड्यूस्ड मी टू एंड ही सेड कि सर इस लड़के में बहुत दम है आप देखो. सो देन आयुष्मान, आपने नहीं कहा हमको तो स्पर्म में दम चाहिए, लड़के में दम नहीं चाहिए. एंड देन ही मेट एंड देन वी फाइनलाइज. यामी को लेकर थोड़ा हमने सोचा था, वी टॉयल्ड अराउंड विद फ्यू मोर कास्ट अदर पीपल but finally Yami was taken over. And also in sperm donation we never wanted ki we need a hulky bulky guy. We wanted a common man jaake donate kar sakta hai. Idea humne finally ye nikala usme se. So what do you think Juhi, aapki kahani hai, aapko kya lagta hai ye sperm donation wali baat logo ko bhag gayi hai aur uski wajah se film chal rahi hai, ya जो लव स्टोरी है एक पंजाबी लड़का जो दिल्ली में रहता है और एक बंगाली लड़की हु इज अ डिवोर्सी, ये लव स्टोरी इज वर्किंग और इज द स्पर्म डोनेशन का नॉवेल्टी वर्किंग? आई थिंक लोग आ रहे हैं स्पर्म डोनेशन के ऊपर फिल्म देखने के लिए क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ नया सब्जेक्ट है और इंट्रीग है काफी उसमें, लेकिन तो वो अच्छा लग रहा है उन्हें, लेकिन आके दे आर सरप्राइज बाय this relationship because kahi bhi humne trailers mein kabhi bhi we haven't exactly, spoken about exactly the Punjabi Bengali layering in that correct. Jo characters hain, parents hain, BG hai, PC hai film ki, kuch nahi humne dikhaya hai trailers correct. mein correct. So that is the I think the surprise package for them. But kyon nahi dikhaya Shujit ji, ye producer ka call tha ya aapka call tha? Because love story also works very well and ye Punjabi Bengali, I think any other director in your place would have said ye to batao yaar because masti aur maza nazar aa raha hai. Correct. But you know I that credit also goes to John. I mean I don't know how to do marketing of a film, so I have no idea about that. I can only see a trailer and say you know it's a good or a bad or what the film is. But John was very sure that John said ki let's not deviate the public that it's a film about this or that. Let's concentrate, it's a sperm donation story. Let's give them, it's a story of a sperm donor, Vicky donor. Juhi, aap mujhe ye bataiye, sperm donation ka topic liya hai. Film mein sperm donation, ye references 10, 15, 20 baar aate hain. Lekin Hindi mein ना के बराबर है, तो आपने ये नहीं सोचा कि हिंदी में जब तक नहीं बताएंगे, बिकॉज जहां पर अंग्रेजी नहीं जानते हैं ये भाषा, स्पर्म क्या होता है उन्हें नहीं पता, डोनेशन इज अ बिग वर्ड दे डोंट अंडरस्टैंड, तो यू डू नॉट थिंक कि ये ऑडियंस विल बी लॉस्ट टू माय फिल्म, सो लेट मी ऑल्सो यूज द हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ दीज वर्ड्स, ऐसा कभी नहीं सोचा? नहीं, यू नो जब ये सब्जेक्ट पे लिखना शुरू करा तभी समय पता था कि ये शायद मल्टीप्लेक्स ऑडियंस देखेगी. इट जस्ट सो हैपेंड कि और बहुत सारे ऑडियंस ने उसको देख लिया और अप्रिशिएट करा, एंड उतना तो समझ में आ जाता है फिल्म देख के कि किस बारे में बात हो रही है. मतलब डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से शुरू में, द फर्स्ट सीन, ओपनिंग सीन इज द एक्सप्लेनेशन दैट हाउ व्हाट हैपेंस. तो अगर हमने हिंदी वर्ड उसका नहीं भी यूज करा है, पीपल विल अंडरस्टैंड इट. टू मेक इट कोलोकियल, लाइक रोज की भाषा में यूज हो जाए ये वर्ड. अगर हम किसी ऐसे जने से मिले वो जो खड़ूस सा हो तो कह सकते हैं खड़ूस पाओ. हिंदी में नहीं बोल पाएंगे हम उसको. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट वाज एक्चुअली अ वेरी नाइस पंच, जो लेजी स्पर्म, खड़ूस स्पर्म, यू नो दोस पंचेस वर वेरी गुड. और ये एंड आई थिंक द बेस्ट बेस्ट थिंग दैट आई मीन दैट फाइनली व्हेन ही सेज नो
in the culmination that this whole world is a sperm. Yeah, so by Dr. Chadda. Correct. So that's, I think that explains that, no, this actually it's a true, you know, facts. True, yeah. And all the facts in the film, they are not gags. Mm-hmm. And Dr. Humne deliberately try kiya ki Dr. Chadda aur jo bhi character hai, they are not going to trying to do comedy. Mm. It's their real life, the way they are. Yeah. Yes, we are laughing seeing them. Correct. But in real life, they are like that only. Mm. Real life mein, is there a limit to how many sperms one can donate? 75. 75. तो आप लोगों ने उस बात का ध्यान रखा exactly. अच्छा और आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब हम बताएंगे कि 50 से अधिक बच्चे हैं तो ये एक लाफिंग स्टॉक बन जाएगा इट इज आई मीन बिकॉज एक्चुअली है हम तो 100 रखने वाले थे मैंने तो फिर बाद में कम किया मैंने 100 नहीं करते वो 100 तो खाली सचिन कर सकते रन 99 सो वी मेड इट नो 53 पे आते हैं एक अनयूजुअल नंबर हमने लिया पता नहीं कहां से 53 अटक गया हमारे माइंड में शुरू से एक 53 करते आए हम लोग बट 75 इज द cut off point a sperm donor mm-hmm. can donate mm-hmm. or bear a child but abroad mein there are pretty less like in UK it's 25 mm-hmm. in London US it is no, in US it is 25 and UK it's 10 yeah okay magar apni film to India ki yeah no hamare yahan to 75 so it's okay yeah aur jo maa ya pita hote hain film ke those are the producers to ye 4 sperm donors hai is film ke how did 4 producers collaborate on this film see it was John who was, first I asked sabse pehle aapne John ko approach kiya okay John and Ram Mirchandani the Rampage so John was I asked him twice John are you sure you want to do this film as your first film this Yash Vijay I'll do this as a first film I'm saying you be sure absolutely because you know I don't want to spoil a relationship with you later that you know this film why did you give me this kind of a film yeah I don't know this is nah, I will go with it. So and since then he owned the film and it's very rarely people own the film you know owning the film is you literally do whatever Correct. You can for the Correct. Film Correct. And I think I did not expect anything better than what he has done for the promotions of the film True. So I'm quite happy about it Eros yes Eros is a big production house so John ne Eros ko approach kiya exactly okay. and then John and Eros I think Mr. Lulla had their own relationship so that I didn't get onto that at all okay. my relationship was purely with John okay and Rising then, Sun yeah Rising Sun is my company with my partner Ronnie okay yeah. then we partnered John says also let's all partner together in this first film so I said hey, let's all celebrate then with this film to aakhir mein celebration mein already note aana shuru ho gaye ki ab aane baki hai see it's growing quite well mm-hmm. I mean even the week also Tuesday Monday also done quite well mm-hmm. so I'm hoping this next week we have a big challenge with Avengers and Tez so let's see how it sustains Ayushman aur Yami ki to baat ho gayi ye jo आयुष्मान की मदर और ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया है डॉली आलूवालिया और कमलेश गिल ये कहां से मिले आप लोगों को और इनकी इतनी परफेक्ट कास्टिंग मतलब है या एग्जैक्टली सी व्हेन शी वाज राइटिंग ना कैरेक्टर का नाम ही इसने डॉली रखा था फर्स्ट ड्राफ्ट में कैरेक्टर का नाम वाज डॉली एंड शी इज एक्चुअली डॉली वाली वाली एंड आई हैव वर्क्ड विद द डॉली इन यहां एग्जैक्टली एंड बीजी के साथ मैं काम कर चुका था कपड कमर्शियल बीजी इस कैरेक्टर वाज एडेड एब्सोल्युटली द लास्ट स्टेज इन द फिल्म सो वी वांटेड ओके वन मोर पर्सन इन द फिल्म एंड दैट्स व्हेन वी एडेड हर And I think they have become much more popular than Ayushman, I think. Yes. they are such a lovable, endearing character. They're progressive, I think. Very Correct. Progressive. Progressive, yeah. you know, yeah. they are her demands for iPhone. दोनों बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं आई थिंक दिस वन ऑफ द कल्ट सीन्स आई लाइक सीन्स आई लाइक सीन्स कि लड़ते भी हैं और फिर साथ में बैठ के ड्रिंक भी करते हैं और दिल की बातें करते हैं मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ रिलेशनशिप इज बिटर स्वीट रिलेशनशिप होते क्या है बिटर पार्ट खुल के आ जाता है द स्वीटनेस रह जाता है सो वी हैव ट्राइड आप लोगों ने स्वीट एंड बिटर दोनों दिखा दिया दोनों दिखाया है एग्जैक्टली शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड बोथ ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड एंड आई थिंक देयर characters and crafting has been quite nice she's written also the dialogues and they've also gone very well Brilliant. No I'm grateful to all the cast and the crew everybody they've done a wonderful job correct and Shuji ji aapne ek aur film banayi thi Bachchan sahab ko lekar uska kya hua actually what's the true story see true story I mean there was a news that we have won the case against Percept yes Percept ke sath hamara koi case tha hi nahi actually magar Percept aapko aur UTV ko court तक लेकर गए yes of court has dismissed the case तो exactly क्या था Percept की मतलब allegation क्या थी they're saying that the script was theirs so but finally the script is not theirs script is Manoj Naik Shyamalan's actually the story is by Manoj Naik Shyamalan okay so उनका ये कहना है कि shoe bite जो आप उनके लिए बना रहे थे वही script आपने UTV को बेच दी yeah, no it's I have not it is Renzel has written the script नहीं उनका ये plea था okay, but it is okay. not fair I mean because okay. UTV hired me for the film and Renzel ने वो लिखा film
एंड मनोज नाइट शामलन का स्टोरी है एंड मनोज नाइट उसको बनाना चाहते थे अपने यूएस में, तभी ये अभी कॉन्ट्रोवर्सी रुका हुआ है कि हो सकता है दे वांट टू डू द फिल्म इन हॉलीवुड फर्स्ट एंड देन इंडिया में रिलीज करें. व्हिच फिल्म इज दिस? शू बाइट. शू बाइट ओनली बट इन इंग्लिश वर्जन. ओके. दे वांट टू डू इट. तो ये यूटीवी की जो फिल्म है, आई ऑल्सो थिंक यूटीवी की जो फिल्म जस्ट शेयर रेस्पेक्ट टू मिस्टर बच्चन एज अ लेजेंड, एज एन एक्टर. फॉर टू ईयर्स ही इज वर्कड आउट, इज जस्ट द फिल्म इज यू नो इट्स ही वॉक्स फ्रॉम मनाली टू कन्याकुमारी इन 10 months. सो जस्ट शेयर रेस्पेक्ट एंड फॉर हिज milestone performance they should do, because he did everything trusting UTV that they will do this. So now it's in the hands of UTV to decide finally what to do and when they want to release. And what about Johnny Walker? It's the same thing. Johnny Walker ka hi naam Shubite hai. Yeah, Shubite hai. It's Johnny Mastana. It's actually Shubite. So ab finally will it see the light of the day? I've got assurances from UTV. I'm still waiting for them. Ke wo banayenge. Ye banayenge bola. Okay. Me and Bachchan every day talk about it, Mr. Bachchan sahab, and we have always got assurances from them. So let's just hope that Vicky Donor ke success ke baad phatafat dusri cheeze bhi shuru ho jaye. Yeah, I hope so, sir. Thank you so much for being with us. Thank you. Thanks, Kumar. दोस्तों ये थे शूजित सरकार एंड जूही चतुर्वेदी. जैसा हमने बताया विकी डोनर, बताया क्या आपको तो पता ही है, आप लोग ही तो हैं जो एक फिल्म को सक्सेस बनाते हैं या उसको थम्स डाउन देते हैं. एंड लेट मी एड हियर दैट विकी डोनर ना सिर्फ इंडिया में अच्छा बिजनेस कर रही है, बट दिस न्यू स्टारकास्ट फिल्म इज डूइंग वंडरफुल बिजनेस इन दी ओवरसीज सर्किट टू. वैसे देखा जाए तो आयुष्मान खुराना और यामी, दो न्यू कमर्स की फिल्म विकी डोनर को शायद ओवरसीज में थिएटर्स में रिलीज ही नहीं होना चाहिए था, और अगर रिलीज भी होती तो गिने चुने थिएटर्स में रिलीज होती. लेकिन ताज्जुब की और खुशी की बात यह है कि ओवरसीज में भी इस फिल्म को ऑडियंस ने इतना अच्छे तरीके से थम्स अप दिया है दैट इट्स डूइंग ग्रेट बिजनेस देयर ऑल्सो. वेल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे.